नमस्कार, स्वागत है आपका नव समाचार पे। मैं हूँ आपके साथ आस्था शुक्ला। हरियाणा के रेवाड़ी जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के सामने भीतरघात करने वाले साइलेंट बागियों से निपटने चुनौती बना हुआ है। इन्हें मनाने की कोशिशें भी खूब हुई, लेकिन फिर भी ये पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार से पूरी तरह दूरी बनाए हुए हैं। ना पार्टी छोड़ी और ना ही पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। ऐसे में हाईकमान ने ऐसे नेताओं पर नजर रखनी शुरू कर दी है। दोनों ही दलों की तरफ से टीमें भी बनाई गई हैं, जो इन साइलेंट बागियों की हर गतिविधि पर नजर रख रही है। रिपोर्ट मिलने के बाद हाईकमान इसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। बता दें कि जिले में रेवाड़ी के अलावा कोचली व बावल विधानसभा सीटें हैं। रेवाड़ी सीट पर कांग्रेस ने चिरंजीवी राव, कोचली में जगदीश यादव व बावल में डॉक्टर ML रंगा को प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह बीजेपी ने रेवाड़ी में लक्ष्मण सिंह यादव, कोचली में अनिल डहीना और बावल में डॉक्टर कृष्ण कुमार को चुनावी मैदान में उतारा हुआ है। रेवाड़ी सीट पर कांग्रेस के चिरंजीवी राव को छोड़कर बाकी 5 उम्मीदवारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बागी है। कुछ बागी होकर निर्दलीय चुनाव में उतर चुके हैं, लेकिन हर सीट पर 2 से 3 नेता ऐसे हैं जिन्होंने टिकट काटने के बाद नाराजगी दिखाई और फिर भी पार्टी नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, उन्हें मनाने की तमाम कोशिशें भी की गईं, लेकिन फिर भी ये नेता प्रत्याशी के प्रचार से पूरी तरह दूर है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोचली सीट है। यहां से एंटी रामपुरा हाउस की राजनीति करने वाले जगदीश यादव को प्रत्याशी बनाए जाने से रामपुरा हाउस के सदस्य पूर्व विधायक राव यादवेंद्र सिंह की टिकट काटी गई है। वे 2 बार इस सीट से विधायक चुने जा चुके हैं, हालांकि पिछले 2 चुनाव में उन्हें हार का मुंह भी देखना पड़ा। कोचली रामपुरा हाउस की पैतृक सीट रही है। यहां से राव यादवेंद्र के बड़े भाई केंद्र मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बीजेपी में जाने के बाद से दोनों बार उनके समर्थित नेता ही भी जीत रहे हैं। कांग्रेस के लिए कोचली सीट इसलिए चुनौती बन गई है क्योंकि यहां से रामपुरा हाउस के खिलाफ की राजनीति करने वाले जगदीश यादव को टिकट दी गई है। राव यादवेंद्र खुलकर जगदीश यादव का विरोध करने की बात तो कह ही चुके हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। ऐसे में पार्टी को भीतरघात की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। इसी तरह बावल सीट पर पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की टिकट काटने से वह खास से नाराज हैं। टिकट वितरण के अंतिम दौर तक बावल सीट को लेकर काफी खींचतान हुई। केंद्र मंत्री मनोहर लाल डॉक्टर बनवारी लाल को टिकट दिलाने की पैरवी कर रहे थे, जबकि केंद्र मंत्री राव इंद्रजीत सिंह किसी दूसरे नेता को टिकट दिलाने पड़े हुए थे। आखिर में राव इंद्रजीत सिंह की चली और हेल्थ डिपार्टमेंट में डायरेक्टर पद से नौकरी छोड़कर तुरंत बीजेपी ज्वाइन करने वाले डॉक्टर कृष्ण कुमार को टिकट मिल गई। डॉक्टर बनवारी लाल को भी राव इंद्रजीत सिंह का खास माना जाता था, लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज डॉक्टर बनवारी ने न केवल बीजेपी प्रत्याशी बल्कि राव इंद्रजीत सिंह से भी दूरियां बना ली हैं। वे चुनाव प्रचार से पूरी तरह दूर हैं। मनाने की कोशिशें करने के बाद भी प्रत्याशियों के पक्ष में नहीं उतरने वाले नेताओं पर कांग्रेस और बीजेपी हाईकमान ने नजर रखनी शुरू कर दी है। बकायदा दोनों दलों की तरफ से ऐसी टीमें बनाई गई हैं जो ऐसे नेताओं की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रही है। टिकट नहीं मिलने से नाराज होने के बाद भीतरघात कर सकते हैं। हर दिन की रिपोर्ट हाईकमान तक पहुंचेगी। ऐसे में साइलेंट बागियों पर कभी भी कार्रवाई हो सकती। ऐसी तमाम जानकारी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नव समाचार, बेवाक खबर हर समय। धन्यवाद।